प्लीज़ प्लीज़ दुनिया वालों, घुटने टेको प्रभु के सामने। हाँ, आसमान में एक ही खुदा है, सिर्फ एक खुदा आसमान में। प्लीज़ घुटने टेको उनके सामने। अब उस अविनाशी परमात्मा के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है? उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, कबीर देव। हम उसको कबीर प्रभु को बोल देते हैं, कबीर साहब बोल देते हैं, वेदों में उसको कबीर देव बोला, कबीर देव। क्योंकि लिखा है आसमानी किताबों में, बाइबल में, कुरान में, सब जगह, हर इंसान को घुटना टेकना है, हर इंसान घुटना टेकेगा परमेश्वर के सामने, अपने पापों की क्षमा मांगो। अब आपको दिखाता हूँ कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि की। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी। प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV। संयुक्त संपादक ये सारे इनका, ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में, प्रथम अध्याय में ही, जेनेसिस माने सृष्टि, Genesis 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकोष बना दिया परमात्मा ने, फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया, जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया, दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्वाला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें, ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने, अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमना, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनके संपूर्ण से समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा, अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच दी, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा, ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है, जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फी ही जो, इसका अर्थ इन्होंने किया है कि यह वह इलामी किताब है, धार्मिक किताब है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, इसका कहने का भाव ये। ये कहाँ से बना है, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में सह अनुवाद सटीपण, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपण, सह अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है, कुरान शरीफ
चयन वाले संस्करण प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सूरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फलातुतियल काफिरन व जाहिदुहुम जाहिदुहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। वेदों में लिखा आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में, मंत्र में, यजुर्वेद में, कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है, किसी भी प्रकार का संकटाप्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुनात्मा यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत, फिर हमने फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की, जिसके ऊपर कर टूटना वो टूटे टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा, वो कर ली भक्ति पर तो गुट्टी लावेगा वो। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ नाम ले लो, सब त्याग दो मर्या, सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास्ते कति कैंसर के कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवादी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड फिर देखना, या मैं हजार प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको पुणात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं, इसको कबीर गॉड कहते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी इस दानंद जी ने कर रखा है, इसने प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने, ये ही इज नोट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद, ओनली अनुवाद में भी इसने, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे, यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है। हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है, इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है 1 अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, इतैसी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है, तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे। हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो, यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध अनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोधाचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, क्योंकि एवज न माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए अनस्य माने पाप के हो, अवेदन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवेदन माने विनाश करने वाले हो, अनस अनस अधर्म के यानी घोर पाप के
नाश करने आ रहे हो, और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ, किया करता हूँ वा करूँ। ओह वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजान पने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट दुष्ट आचरण नहीं एनस है, एन हम भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है, एनस माने पाप है। तो कहते हैं उस सर्वस्य माने सब, एनस माने पाप के अवेदनम माने नाश करने वाले आप हैं।